मनम स्वामी के एक बयान पर देश में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी ने कहा कि मस्जिद एक इमारत होती है, इसलिए उसे तोड़ा जा सकता है। स्वामी ने सऊदी अरब में मस्जिद तोड़े जाने का उदाहरण भी दिया। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बिल्डिंग और उसको तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान में तोड़ते, कतार में तोड़ते, यमन में तोड़ते, अल्जीरिया में तोड़ते, हिंदुस्तान में भी तोड़ते कहते हैं। राम मंदिर को और बाबरी मस्जिद को बराबर मानना चाहिए। बाबरी मस्जिद तो बिल्डिंग है, उसको तोड़ा जा सकता है, हम नहीं तोड़ेंगे, उनका ही कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में क्योंकि हम मंदिर बनाते समय हम प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने के बाद बनाते हैं, और ग्रह जो है गर्भगृह उसको तभी हम स्थापित करते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो जाती है, जिसमें 41 दिन के लिए उपवास भी करनी होती है। भगवान उस मूर्ति में प्रवेश कर जाता है, ये हमारी मान्यता है, और इसीलिए एक बार भगवान प्रवेश कर जाए तो उसके बाद वो मंदिर की मालिक यानी उसकी जो स्वामित्व है वो भगवान के पास जाती है। क्रिश्चियंस के लिए भी मैंने यूएसए में देखा कि जो विश्व हिंदू परिषद का शाखा है वो वहां चर्चेस को खरीदते हैं और फिर उसमें उसको मंदिर में बदल देते हैं। मैंने वहां एक क्रिश्चियन के जो विद्वान था उससे मैंने पूछा कि आप लोगों को बुरा नहीं लगता ये, तो उन्होंने कहा कि चर्च जो है वो लोगों को इकट्ठा होने के लिए एक जगह है और क्रॉस को हटा देंगे तो ये बिल्डिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी के विवादित बयानों का गुवाहाटी में जबरदस्त विरोध हुआ। अखिल गोगोई के कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने और 153A यानी धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के तहत FIR दर्ज करवा दी है। गोगोई के मुताबिक ये बयान 2016 के असम चुनावों में ध्रुवीकरण के मकसद से दिया गया है। इसे जो बात बताया है इसका मीनिंग है कि 2016 में असम ने जो विधानसभा का जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, चुनाई है, इस चुनाई के लिए ये कम्युनल राइटिंग करने के लिए ये सब कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने स्वामी के बयान से किनारा कर लिया है। असम बीजेपी के अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कहा कि ये स्वामी के निजी बयान है, हम इस मुद्दे पर अपने केंद्रीय नेतृत्व को लिखेंगे। स्वामी इस बयान से भड़क गए। पर हमारे लोग में देश में बहुत अनपढ़ लोग बहुत हैं, वो कहते हैं साक्षात्कार उनका अक्षर वो जानते हैं बट ज्ञान तो जीरो है। और मुझे आश्चर्य होता कि हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो असम का है उसको भी ये नहीं पता, और अनाप शनाप की बात उसने बोल दी। तो मैं तो समझता हूँ कि उसको ट्यूटोरियल चाहिए तो यहाँ आ जाए, मैं उसको ट्यूटोरियल देता हूँ। स्वामी ने कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है, उनके बयानों के निशाने पर सोनिया गांधी से लेकर शशि थरूर तक आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने संवेदनशील मुद्दे को उठाकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गुवाहाटी में विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को गलत करार दिया है। उनके मुताबिक ऐसे ही बयानों की वजह से देश में चर्चों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, और सुब्रमण्यम स्वामी तो समझदार आदमी है लेकिन ऐसी नासमझी की बात कर रहे हैं। और कोई भी धार्मिक स्थान हो उसका एहतराम होना चाहिए। मुसलमानों की मस्जिद इबादत की जगह है और क्रिश्चियंस चर्च में इबादत करते हैं। खुदा और भगवान तो हर जगह है, मस्जिद और मंदिर जो है इबादत करने की जगह है, वो मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, चर्च में भी है, और चलती फिरती हर जगह पे है। जहां हम बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, सब जगह भगवान खुदा मौजूद है। ये उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे मजहबी मुनाफरत जिसको कहते हैं कि आपसी भाईचारा जो है खत्म होने का काम हो जाए और आपस में हिंदू मुस्लिम एक करके लड़ना शुरू हो जाएं। ईसाइयों को टारगेट बना रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग खासतौर से।